मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस, इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ हबीब गाज़ी फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी लेक्चर्स रिगार्डिंग बेसिक ग्रामर, टेंसेस, एक्टिवाइज, passive voice, some modal auxiliary verbs like this. I have started teaching here about causative verb. Causative verb has six kinds. Causative verb we have read, that was get. Our topic is today second kind of causative verb, that is have and has. Have and has are the second kind of causative verb. Have and has are used according to the tenses. We can use different tenses, we can use modal auxiliary verbs. Causative, there are two persons in causative verbs. Causative verbs mean two persons. Number one, the one who does the work, jo काम करने वाला. नंबर टू, हु डज द वर्क डन, जो नंबर टू जो काम कराने वाला, जो काम करवाता है इज ऑलवेज प्रेजेंट, जो काम करवाता है वो हमेशा क्या प्रेजेंट होता है. जो काम करता है, द वन हु डज द वर्क, जो कॉजिटिव वर्क में जो काम करता है, जो एजेंट है, ई समटाइम इज़ प्रेजेंट, समटाइम्स इज नॉट प्रेजेंट. जो काम करने वाला एजेंट, जो काम करने वाला, बाज़ वक़्त वो प्रेजेंट है, बाज़ वक़्त वो प्रेजेंट नहीं है. अगर वो प्रेजेंट नहीं है, काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है, उसका फार्मूला क्या अलग है, डिफरेंट है. और जो काम करने वाला और काम करने वाला दोनों प्रेजेंट है, फिर उसके क्या है फार्मूला क्या अलग है. जो काम करवाता है वो हमेशा क्या प्रेजेंट है. सो नंबर वन फार्मूला, जिसमें सिर्फ काम कराने वाला प्रेजेंट है और काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्या है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इधर के ब्रैकेट में. ब्रैकेट इसीलिए है, इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं. फिर कॉजिटिव वर्ब है, फिर हैव एंड हैज, जो हैव और हैज जो इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुआ तो हैव और हैज लगेंगे. अगर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करना हो फिर होगा सिर्फ हैविंग. कंटिन्यूस टेंस में हम लोग हैजिंग नहीं करते बल्कि हम लोग हैविंग इस्तेमाल करते, जैसे इज हैविंग, शी इज हैविंग, अली इज हैविंग, आई एम हैविंग और वी आर हैविंग. ठीक है, इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है पर हैविंग. ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना हो फिर हैड है. हैव और हैज क्या फर्स्ट फॉर्म है इसका. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड होता है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट थर्ड फॉर्म पर इस्तेमाल होता है. इसका प्रायजी फॉर्म है हैविंग. अगर कंटिन्यूस में इस्तेमाल करना हो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हैविंग. विद ऑल प्रोनाउंस we use having, is having, she is having, Ahmed is having, we are having, you are having. is having इस्तेमाल इस तरह नहीं होता है बल्कि having इस्तेमाल करना है. ठीक है भाई, चलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना. जैसे कि गेट, गेट के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इस तरह है और हैज के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने हैं. जैसे कि आई एम हैविंग माई रूम पेंटेड, आई कैन सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आई के लिए एम, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे कॉजिटिव वर्ब हैविंग. फिर ऑब्जेक्ट क्या है माय रूम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पेंटेड, आई एम हैविंग माय रूम पेंटेड, मैं अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ. आई एम पेंटेड, आई एम हैविंग माय रूम पेंटेड, मैं अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ. यू आर हैविंग योर रूम पेंटेड, आप अपने कमरे रंग करवा रहे हैं. ई इज
हैविंग हिज रूम पेंटेड, वो अपना कमरा रंग करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हैविंग इस्तेमाल होता है, ठीक है, सब प्रोनाउंस के लिए। नंबर टू, अली, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब क्या है, हैव, अली हैज हिज रूम स्वेप्ट, अली अपना कमरा झाड़ू लगवाता है, स्वीप फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है स्वेप्ट। अली हैज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें इस्तेमाल करना है पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हैव और हैज के फर्स्ट फॉर्म है। ई शी इट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज इस्तेमाल करेंगे, आई वी यू दे के लिए फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। अली हैज हिज रूम स्वेप्ट, अली अपना कमरा झाड़ू लगवाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यू आता तो यू हैव योर रूम स्वेप्ट, आप अपने कमरे झाड़ू लगवाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पॉजिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यू हैव हैड योर शूज पॉलिश्ड, आप अपने जूते पॉलिश करवा चुके थे, यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं ये सब क्या काम करवा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जो काम कर रहा है वो प्रेजेंट नहीं है। यू हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब क्या हैज और हैव है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब इधर के हैड है, यहाँ पर के थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव वर्ब इधर के थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और आपका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू हैव हैड योर शूज पॉलिश्ड, आप अपने जूते पॉलिश करवा चुके थे, यहाँ पर जो काम करवा रहा है सिर्फ वो प्रेजेंट है, जो काम कर रहा है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ये फार्मूला फॉलो होता है। फिर नंबर टू क्या फार्मूला है, जिसमें बोथ आर प्रेजेंट, जो काम करवा रहा है वो भी प्रेजेंट है, जो काम कर रहा है वो भी प्रेजेंट है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव वर्ब हैव और हैज, फिर एजेंट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जहाँ पर दोनों प्रेजेंट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। गेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फुल इन्फिनिटिव, गेट, गेट पॉजिटिव और कल पढ़ा था गेट, गेट के बाद हम क्या इस्तेमाल कर, गेट के लिए हमें इस्तेमाल करना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, गेट के लिए हमें क्या इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करना है, गेट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हैव और हैज के लिए इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ, हैव और हैज के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, गेट के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और हैज और हैव के लिए जस्ट जस्ट वेयर इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव है, वेयर इन्फिनिटिव के विदाउट एस, यस आई एस को हम क्या बोलते हैं, वेयर इन्फिनिटिव। चलिए आते हैं सेंटेंस की तरफ, आई एम हैविंग अहमद पेंट माई रूम, मैं अहमद से अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ, यहाँ पर काम करने वाला कौन है, एजेंट अहमद है, मतलब मैं अहमद से अपना काम करवा रहा हूँ, काम जो करवाने वाला मैं हूँ, आई, काम करने वाला क्या अहमद है, सो आई एम हैविंग अहमद पेंट माई रूम, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, इन्फिनिटिव है, आई एम हैविंग अहमद पेंट माई रूम, माई रूम, माई रूम, मैं अहमद से अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ। अली हैज हर स्वीप हिज रूम, अली उससे अपना कमरा रंग करवाता है, अली किस से अपना काम कमरा रंग करवाता है, उससे, हर, हर इधर के एजेंट है, काम हर इधर के काम करने वाला है, अली इधर क्या काम करवा रहा है, अली हैज हर, अली उससे अपना कमरा रंग करवाता है। नंबर टू थ्री, यू हैव हैड हिम, हिम इधर क्या एजेंट है, यू हैव हैड हिम पॉलिश योर शूज, आप उससे अपना जूते